मैडम, आप हरियाणा रेडक्रॉस सोसाइटी की वाइस चेयरमैन हैं और आज फरीदाबाद से हजारों मजदूर अपने घर वापसी के लिए पलायन के लिए तैयार है और आपके द्वारा प्रबंध किया गया, तो रेडक्रॉस सोसाइटी की बात करें तो किस तरीके से आप मदद कर रहे हैं मजदूर गरीबों की? अभी ये जो ट्रेन जा रही है इसमें 1200 से लेकर 1400 के लगभग मजदूर लोगों को हम उनके घर भेज रहे हैं। उनको खाना दिया गया है, बिस्किट के पैकेट, पानी सब कुछ दे रहे हैं और जहाँ भी इनको जैसी भी जरूरत होगी सब मजदूरों को उनके रेडक्रॉस पूरी करेगा। और हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में भी हमारे रेडक्रॉस सोसाइटी है, चाहे वो इंडिया में तो कहीं भी है, हर जगह है, तो इनकी पूरी हेल्प करेगी प्रशासन के साथ। बात करें हरियाणा प्रदेश की, तो किस तरीके से फरीदाबाद के अंदर लॉकडाउन 3 के दौरान रेडक्रॉस मदद कर रहा है? फरीदाबाद में हम लोग सारे मास्क भी क्या, सैनिटाइजर क्या, खाना भी क्या, राशन, दवाइयाँ सब कुछ दे रहे हैं, इवन विटामिन सी भी दे रहे हैं, पैरासीटामोल भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं इनको, राशन हर घर घर में जिसका। कोई अपील करना चाहेंगे आप? सब लोग, जो मजदूर लोग भी जा रहे हैं, हमारे बहन भाई, ये घबराए नहीं, इनको घर तक ठीक ठाक पहुँचाया जाएगा, इनको जो फैसिलिटी सुविधा चाहिए वो सारी दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक बोला।